ओके ठीक है, तो पहले वन बाय वन जो भी डाउट्स हैं क्लैरिफाई कर लो। बोलो, तुम लोग क्या बोल रहे थे? स्टेट होमोजेनस ना, तो टाइम होमोजेनस क्या होता है पहले ये समझो। एकदम गलत समझाया है। इट विल ओनली डिपेंड ऑन द टाइम लैग। द प्रोबेबिलिटीज विल ओनली डिपेंड ऑन द टाइम लैग। मतलब तुम जो एन से एन प्लस वन, एम से एम प्लस वन बोल रहे हो, वो टाइम लैग वन का है। सो इट ओनली डिपेंड्स ऑन टाइम लैग वन, वट एवर एम माइनस एन या जितने का भी टाइम लैग है। तो हम लोग ये जो लिखते हैं यहाँ पे, ये वाला, दिस इज वॉट, दिस इज द लैग। ठीक है, तो ये अगर लैग सेम है एंड स्टेट सेम है, आई जे आई जे, तो वो कोई भी टाइम हो, टी से टी प्लस एन या फिर एस से एस प्लस एन, इट विल रिमेन द सेम। सिमिलरली स्टेट होमोजेनस क्या होता है? स्टेट होमोजेनस होता है जहां पे हम लोग का स्टेट का लैग या फिर स्टेट का गैप सेम हो। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, देखो यहाँ पे हमने लिखा है जे माइनस आई इज इक्वल टू के माइनस एल। हम लोग को जहां से जहां जाना है, जहां से जहां जाना है, दैट शुड बी सेम इक्वल, दैट इज स्टेट होमोजेनस। जब हम लोग का स्टेट का जो लैग है या फिर स्टेट का गैप बोलते, लैग नहीं बोलते, तो वो अगर सेम है तो वो स्टेट होमोजेनस, एंड प्रोबेबिलिटीज आर सेम तो हम लोग का वो स्टेट होमोजेनस हो जाते हैं। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट बोलो। मतलब नहीं, ये तो मैंने बाद में लिखवाया है, ये मैंने बाद में लिखवाया है कि अगर p इज इक्वल टू p, 1 माइनस p इक्वल टू 0.5, तो सिंपल, तो सिमेट्रिक रैंडम वॉक है। बट स्टेट होमोजेनस ये तो हर एक रैंडम वॉक के लिए, सिंपल रैंडम वॉक के लिए ट्रू। ठीक है, इसमें तुम्हारा वो p से मतलब नहीं है, इसमें पी तुम्हारा 60-40, मतलब पी 40% एंड 1 माइनस पी 60% हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। इसमें हम लोग को स्टेट से मतलब है। एंड द प्रेरणा, तुम क्लास में क्यों नहीं आई? मैम, मेरे को चोट लग गया कल मेट्रो से घर आते वक्त। बहुत अच्छा बहाना है, वेरी गुड। बहाना नहीं है सच्ची में, आई कैन शेयर द पिक्चर ऑल्सो। नो नो, इट्स ओके। ठीक है, ऑल राइट, इतना जिम मत करूं। ठीक है, तो बेसिकली क्लियर है स्टेट होमोजेनस क्या होता है अभी? ठीक है, और अंदर शिफ्ट हो जाओ थोड़ा सा। तुमको नहीं, तुमको बोल रहे हैं, शिफ्ट हो जाओ, उसको देख, बेचारे को बैठने का स्पेस दो थोड़ा सा। चलो नाउ, और कोई डाउट है किसी को? मारूफ, तुमको कोई डाउट है? हाँ, यस मैम। क्या थोड़ा बहुत इसमें? तुम पूरा गो थ्रू किया? तुम कल सुन नहीं रहा था मेरा क्लास। एक काम, एक बेस्ट चीज बोले, मैं क्लास दोबारा देख लो इसके लिए। एक बार देखो, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो मैं समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मारूफ बोलो। मैम, रिगार्डिंग दिस स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक डाउट था। वो जो फोर्थ पॉइंट था, दैट इफ द मार्कोव चेन इज फाइनाइट, इररिड्यूसिबल एंड ए पीरियोडिक, सो देन उसका हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन अ स्टेट जे निकाल सकते हैं। सो वो पाई जे एंड द लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी पाई बार जो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? उसका मतलब ही बस खाली ये है कि यू कैन इवैल्यूएट दैट, उसका खाली ये अच्छा, मीनिंग है। सो लाइक अगर वी हैव अ चेन, लाइक अगर सर्कुलर रिंग है 1 2 3 4 का, जो एग्जांपल 2 था, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन स्टेट 1 का हम निकाल सकते हैं इंडिविजुअली, दैट इज व्हाट इट मींस पाई जे। हाँ, मतलब जे प्रोबेबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन जे इज पाई जे का मतलब कि यू कैन इवैल्यूएट इट बेसिकली, ओके, दैट इज द ओनली मीनिंग। अच्छा एक्सक्यूज मी मैम, आई आल्सो हैड अ डाउट मैम। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी डिड इनिशियली ओवर देयर, वी टुक दैट इट वाज अ टाइम होमोजेनियस केस, कौन बट द सा प्रॉब्लम क्वेश्चन? स्टार्टिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन करा था हमने, स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला NCD 1? यस मैम, यही वाला। हाँ जी, अच्छा ये वाला लॉस क्या? वाला। हाँ, इसमें जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम ऑब्जॉर्विंग स्टेट टू ऑब्जॉर्विंग स्टेट है, दैट विल ऑलवेज बी 1। तो फिर ये टाइम होमोजेनियस हमें पता कैसे चला कि वो है? टाइम होमोजेनियस का मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी
of going from one state I to state J remains constant throughout the life of the process. That is time homogeneous. Matlab, it's very simple. For example, if I'm saying that probability that I will move from healthy to sick state will remain constant throughout my life. That is your time homogeneous. Sick and healthy and sick, ye dono same hai. I se J jana same hai. Okay? And probability will also remain the same throughout my lifetime. That is, I'm talking about one step probability. ठीक है तो वो टाइम होमोजेनस होता है. ओके ओके समझ गए मैम. ठीक है अंडरस्टूड. हम लोग टाइम इनहोमोजेनस जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि चीजें इतने सिंपल नहीं होती है, हम लोग को और भी इवैल्यूएशन करना पड़ता है. अभी हम लोग टाइम होमोजेनस ही पढ़ रहे हैं. हाँ हाँ करेक्ट. अब नेक्स्ट टॉपिक दो. अच्छा इसी के अंदर हमने कल लास्ट तीन पार्ट नहीं किया था रैंडम वॉक का, तो वो खत्म करते हैं सिंपल रैंडम वॉक का. टॉपिक देना ये मैंने लिखवा दिया था. एक काम करो टॉपिक वॉपिक मत दो, खाली जस्ट मेक दिस डायग्राम जो मैं बना रही हूँ ट्रांजिशन ग्राफ. पहले ये मेरे से इतने अच्छे से मूव होता था, अब ये मूव ही नहीं होता. कोई बात नहीं छोड़ो. एक सेकेंड. हाँ चलो तो जीरो है स्टेट वन, टू डॉट 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 बी माइनस टू, बी माइनस वन एंड लास्ट में बी दे दो. ठीक है तो ये हमारा एक सिंपल रैंडम वॉक ही है. यू ऑल कैन गिव द हेडिंग एज सिंपल रैंडम वॉक ऑन एस इक्वल टू लिख देना जीरो वन टू डॉट डॉट डॉट. अच्छा यहाँ पे क्या डिफरेंस है, वहां पे हमने माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी लिया था, यहाँ वी हैव जस्ट टेकन जीरो टू बी. दिस इज द ओनली डिफरेंस. ठीक है सो बेसिकली प्रोबेबिलिटीज लिख लो. यहां से यहां जाना इज वन माइनस अल्फा. नहीं इतना भी गलत नहीं लिखती हूं मैं. ठीक है कैमरा ऑन नहीं कर रखा कोई आज. भावेश लोग सब लोग कैमरा ऑन करो. इसका मीनिंग समझो पहले, यहां ध्यान दो. सो बेसिकली जीरो से बी है ऑल द डिफरेंट स्टेट्स. And again, probability of upstep is P and probability of downstep is 1 minus P for all the states except 0 and B. मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? X J minus 1. इसका क्या मतलब है? कि J time J के just पहले, Y J का क्या मतलब होता है? Time J पे हम upstep ले रहे हैं downstep. तो time J के just पहले हम कहाँ हैं? J minus 1 पे. हम या तो 0 पे हैं या तो B पे. अगर हम जीरो पे हैं तो हमारा अपस्टेप का प्रोबेबिलिटी क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? अपस्टेप का प्रोबेबिलिटी क्या है? वन माइनस अल्फा है. वन माइनस अल्फा है, वेरी गुड. एंड डाउनस्टेप, डाउनस्टेप कुछ है नहीं,
बेसिकली अपने ही स्टेट में अल्फा है, और यहाँ पे बी का अपस्टेप इज बीटा, बेसिकली देयर इज नो अपस्टेप, वो अपने ही स्टेट में रहेगा एंड डाउन स्टेप हो जाएगा 1 माइनस बीटा. क्लियर? तो फर्स्ट हेडिंग देना मिक्स्ड बाउंड्री. मिक्स्ड बाउंड्री ठीक है, ब्रैकेट में ऑल कैन राइट जनरल केस. सो इसके अंदर वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई जे इक्वल टू 1 इज 1 माइनस अल्फा फॉर एक्स जे माइनस 1 इक्वल टू 0. मतलब अगर हम लोग टाइम जे माइनस 1 पे 0 पे है ठीक है, तो 0 से एक स्टेप आगे जाना 1 माइनस अल्फा है ठीक है. लिख लो सिमिलरली इसका क्या मतलब है, अगर हम जीरो पे हैं तो जीरो पे ही रहने का, देर इज नो अपस्टेप नो डाउन स्टेप, इट्स जीरो, क्या हो जाएगा अल्फा ठीक है. सिमिलरली ऑल कैन राइट इट फॉर क्लियर है, इसमें किसी को भी डाउट है देख लो. वाई जे इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है, कोई स्टेप नहीं है, कोई स्टेप नहीं लिया उसने, अप स्टेप भी नहीं, हाँ उसी स्टेप पे रहेगा बट नो अप स्टेप नो डाउन स्टेप, कोई स्टेप नहीं लिया ठीक है. नेक्स्ट लिखो रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिव बाउंड्री, या फिर रिफ्लेक्टिंग लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री. अब रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री में देखो क्या होता है. अगर मैं बोलू रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री होता क्या, हमने पढ़ा है, हमने अब्सॉर्बिंग पढ़ा है, अब्सॉर्बिंग का क्या मीनिंग होता है हर्षिता, अगर उस स्टेट में पहुंच गए तो उससे हम बाहर नहीं निकल सकते, हम उसी में अब्सॉर्ब हो जाएंगे एंड उसी से उसी में रहने का प्रोबेबिलिटी विल बिकम 1 ठीक है, जो अभी सम किसी ने पूछा था. तो दैट इज योर अब्सॉर्बिंग. रिफ्लेक्टिंग इज व्हाट, कि हम जैसे ही उस स्टेट में जाएंगे हम रिफ्लेक्ट होके बाहर आ जाएंगे. तो इन दैट केस दिस अल्फा एंड दिस बीटा हैज टू बी 0, जैसे ही 0 स्टेट में आए वैसे ही बाहर निकल जाएंगे विद प्रोबेबिलिटी 1. तो लिख दो यहाँ पे अल्फा, एक सेकंड मैं इसको मिटा देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. लिखो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 0, उसमें लिख लो. सो बेसिकली अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 0. इसका क्या मतलब है, इट्स लाइक अ हिट एंड रन केस जैसा, मतलब आया 0 पे एंड रिफ्लेक्ट हो गया. सो अगर हम 0 पे पहुंच रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी कि हम 0 से 1 पे जाएंगे इज 1, इज 1. प्रोबेबिलिटी कि अगर हम बी पे आ रहे हैं हम तुरंत बी माइनस 1 पे जाएंगे इज 1. क्लियर? इट इज सर्टेन, सर्टेन हो गया. अब्सॉर्बिंग बाउंड्री लिख दो, अब क्लियर हो जाएगा अब्सॉर्बिंग भी. अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1, मतलब कि अगर हम 0 पे आ गए, 0 पे 0 से ही रहेंगे, 1 माइनस अल्फा विल बिकम 0, मतलब 0 से हम 1 पे नहीं जा सकते. सिमिलरली अगर हम बी पे आ गए तो बी से हम 1 माइनस बी माइनस 1 पे नहीं जा सकते ठीक है. यहाँ पे व्हाट यू ऑल कैन डू इज ये सेम प्रोबेबिलिटीज वहां पे आप लोग लिख सकते हो, ट्राई करो लिखने का, खुद से ट्राई करो.
एक सेकेंड, चलो बताओ. सो इस केस में अब क्या होगा, अगर हम लोग जे माइनस एक्स जे माइनस वन, टाइम जे माइनस वन पे अगर हम लोग जीरो पे है तो प्रोबेबिलिटी एक स्टेप आगे का क्या हो जाएगा यहाँ पे अब्सॉर्बिंग के केस में, जीरो, और यहाँ पे वन. जीरो पे आ गए, जीरो पे ही रहेंगे अब तो वन. सिमिलरली इधर क्या होगा, डाउन स्टेप का प्रोबेबिलिटी अब क्या हो गया जीरो एंड दिस इज वन. बी पे है ना, लिख लो इसको. कोई भी डाउट है तो पूछ लेना प्लीज. विधि वाई जे इज अप स्टेप है कि डाउन स्टेप है या जीरो स्टेप है. तो अगर हम ऑलरेडी जीरो पे पहुंच चुके तो वो और कोई स्टेप नहीं लेगा, वो डाउन भी नहीं जा सकता, अप भी नहीं जा सकता, वो उसी पे रहेगा, इसीलिए इट इज जीरो. मैम रिफ्लेक्टिंग का भी करेंगे हम लोग अभी, रिफ्लेक्टिंग का भी करेंगे इसके बाद. इसी में कर लो ना, इसी में लिख लो, इसका जस्ट ऑपोजिट ही होगा ना. हाँ. मतलब वो इधर वन हो जाएगा, इधर जीरो हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग के केस में. और क्या, चलो. हाँ नहीं, वो आते ही उसमें चला जाएगा. जैसे हम लोग जब करेंगे, यूजुअली देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ ट्रांजिएंट स्टेट. ठीक है, हम लोग जब सम्स करेंगे उसमें हम लोग एक दो सम्स में देखेंगे. बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो आपको रिसेप्शन पे बिठाते हैं. तो रिसेप्शन पे बैठने का देर इज अ ड्यूरेशन कि 1 आवर है, उससे ज्यादा तो नहीं बैठेंगे. तो उसको यूजुअली हम लोग ट्रांजिएंट केस, तो वो रिसेप्शन पे चेक करते हैं कि इसको क्या क्रिटिकल, अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल है तो आईसीयू में भेज दो सीधा. अगर ठीक है डॉक्टर चेकअप करके देख सकते तो डॉक्टर के पास भेजो. तो दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स, उसमें रिसेप्शन इज वन स्टेट. तो रिसेप्शन कैन बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिएंट स्टेट. यूजली इट्स नॉट कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिव कि आते ही उस पर बाउंस बैक नहीं किया, बट हम लोग एक चीज पढ़ेंगे ट्रांजिएंट स्टेट होता है जिसमें हम बहुत कम ड्यूरेशन के लिए रह सकते हैं. ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. ऑलराइट, पढ़ेंगे क्या हम लोग, सम्स में करेंगे. नेक्स्ट लिखो मॉडलिंग यूजिंग मार्कोव चेन्स. इसमें लिखना, आप लिखना स्टार्ट करो. पहला स्टेप डिटरमाइनिंग द स्टेट स्पेस, डिटरमाइनिंग द स्टेट स्पेस फुल स्टॉप. इसके नीचे नीचे वाले लाइन में लिखो रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट डैश स्टेट्स लीड टू सैटिस्फैक्शन ऑफ मार्कोव प्रॉपर्टी. States lead to satisfaction of Markov property. इसका क्या मतलब हुआ? Markov property होना चाहिए obviously, तभी उससे हम लोग Markov chain model कर पाएंगे. Point number two, estimating transition probabilities. हर्षिता तुम जिस तरीके से notes बना रही हो तुमको काम नहीं आएगा ये notes. तुम उसको पढ़ पाओगी खुद से? ठीक है बनाओ. और तुम लोग खाली पेन्स यूज कर रहे हो, वेरी गुड. ऐसे मत बनाया करो CS2 का नोट्स, एटलीस्ट हैव टू कलर्ड पेन्स. लिखो पॉइंट नंबर टू में एस्टिमेटिंग ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज. एग्जाम ऑनलाइन हुआ है बट अभी भी दिल से हम लोग ऑफलाइन ही है. एस्टिमेटिंग ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज नीचे लिखना इसके. Denote by x1 comma x2 dot 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 x capital N the available observations
the available observations and define pehla iske andar bullet ni board pe dekh ke likho ni as the number of times t ब्रैकेट में देखो 1 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू एन माइनस 1 एन आई एज द नंबर ऑफ टाइम्स टी ब्रैकेट में आ गया सच दैट एक्स टी इक्वल टू आई एन आई एज द नंबर ऑफ टाइम्स टी फिर ब्रैकेट में जो लिखा है मैंने सच दैट एक्स टी इक्वल टू आई सेकेंड पॉइंट लिखो इसी के अंदर बुलेट एन आई जे स्मॉल एन है ये सारा एन आई जे एज द नंबर ऑफ टाइम्स टी वापस से ब्रैकेट में लिखना टी जब लिख रहे हो ना एज द नंबर ऑफ टाइम्स टी ब्रैकेट में सेम चीज लिखो सच दैट एक्स टी प्लस वन इक्वल टू जे एंड एक्स टी इक्वल टू आई एक्स टी प्लस वन इक्वल टू जे एंड एक्स टी इक्वल टू आई कॉमा दस एन आई जे इज द ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ ट्रांजिशंस फ्रॉम स्टेट आई टू स्टेट जे नेक्स्ट लाइन लिखो पॉइंट नहीं है इसी के अंदर सेकेंड पॉइंट के अंदर ही एन आई इज द ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ ट्रांजिशंस आउट ऑफ स्टेट आई फुल स्टॉप हेंस पी आई जे हैट इज इक्वल टू एन आई जे बाय एन आई एंड एन आई जे गिवन एन आई फॉलोज बाइनोमियल एन आई कॉमा पी आई जे हो गई है गलत लिखा इधर ठीक है अब एक बार इसको थोड़ा समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे थर्ड पॉइंट पे तो बेसिकली क्या है समझो सब भूल जाते हैं एक बार डिफरेंस अच्छा कोई भी मॉडल मार्कोव चेन इज अ मॉडल कोई भी मॉडल आर बेस्ड ऑन फ्यू अजम्पशंस हमारा मार्कोव चेन इज बेस्ड ऑन डिस्क्रीट स्टेट डिस्क्रीट टाइम एंड मार्कोव प्रॉपर्टी दीज आर द अजम्पशंस थ्री मेन अजम्पशंस दैट वी हैव नाउ इन रियलिटी हम लोग क्या करते हैं हम लोग के पास ऑब्जर्व्ड पास्ट हिस्ट्री डेटा दिया हुआ रहता है उस पर हम एक मॉडल फिट करते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग को डिफरेंट स्टेज दिए हुए हैं फॉर एग्जाम्पल आर प्रोग्रामिंग में आप लोग एक सम करोगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है एक एक्चुअरी है क्वालिफाइड एक्चुअरी वो हॉलीडे पे अपने एक रिजॉर्ट गए एंड वो वहां पे घूम रहा है अपने रिजॉर्ट में ही घूम रहा है कभी किचन से बेडरूम जाते हैं बेडरूम से टॉयलेट टॉयलेट से होटल सॉरी हॉल हॉल से गार्डन तो वैसे घूम रहा है तो ये अलग अलग स्टेट्स बन गए हॉल एक स्टेट है रूम एक स्टेट है ये अलग अलग स्टेट्स बन गए
और वो घूम रहा है बस, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस फ्रॉम स्टेट आई बेडरूम टू टॉयलेट बेडरूम टू हॉल, दीज नंबर ऑफ ट्रांजिशंस हैव बीन ऑब्जर्व्ड. अब ये जो हमने ऑब्जर्वेशन बना लिया एन आई जे, नंबर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट आई टू स्टेट जे, और एन आई, एन आई इज बेसिकली नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव ऑक्यूपाइड, क्या लिखा है मैंने एन आई के लिए, इज द ऑब्जर्व नंबर ऑफ ट्रांजिशन आउट ऑफ स्टेट आई. मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी आई एम सिटिंग हियर इन दिस पर्टिकुलर क्लास, अब मैं इसे बाहर निकलू ही ना कभी, पूरे जिंदगी भर मैं यही रह जाऊं तो ये कंसिडर नहीं होगा. अगर मैं यहाँ से बाहर निकल रही हूँ तो ही ये एन आई कंसिडर होगा. अभी हम लोग एक सम करेंगे तो क्लियर होगा. बहुत ही वियर्ड चीज लग रहा है, एक साधु है वो बैठा है एक जगह पे, वही बैठे 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 मर गया वो, तो उसका वो ट्रांजिशन वहां से कंसिडर नहीं होगा. तो जब वो वहां से निकल रहे, एक स्टेट से निकल रहे, तभी वो स्टेट हम लोग कंसिडर करेंगे एज एन आई. गॉट इट? ठीक है, हंसो मत. अब इसके बाद पी आई जे क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी. हम लोग आई से जे में जा रहे हैं, विच इज अ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, जो हम लोग को अभी तक गिवन था. अब यहाँ हम लोग मॉडल कर रहे हैं, तो पी आई जे इज वॉट, एन आई जे बाय एन आई. एन आई जे इज आई से जे में गया, एंड एन आई इज वॉट, आई से निकला. मतलब मैं अगर इस रूम से निकलू, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैं रूम से निकल के ऑफिस जाऊंगी, कहीं और नहीं. तो रूम से मैं निकल रही हूँ दिन में 10 times, बट ऑफिस में जा रही हूँ दिन में 2 बारी खाली, तो 2/10 हो जाएगा. क्लियर? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ठीक है, वेरी गुड. राइट, पॉइंट नंबर 3. ये मैं बताऊंगी क्यों का. असेसिंग द फिट, ये तुमको समझ में आ ही रहा होगा मैंने क्या बोल. अच्छा, सम करेंगे तो उससे क्लियर होगा. असेसिंग द फिट, मॉडल बन चुका है, अब देख रहे हैं कि मॉडल सही है कि नहीं. ठीक है, वैलिडेटिंग. असेसिंग द फिट, उसके नीचे लिखना स्टार्ट करो, डिनोट बाय एन आई जे के, बोर्ड पे लिखा है, द नंबर ऑफ टाइम्स टी, द नंबर ऑफ टाइम्स टी, अगेन टी का देख लो एक बार, स्टाइल मत मारना. ठीक है, बहुत बच्चे यहीं पे आके स्टाइल मारेंगे. एन माइनस टू है. डिनोट बाय एन आई जे के द नंबर ऑफ टाइम्स टी, ब्रैकेट में देख लो, सच दैट, सच दैट एक्स टी इक्वल टू आई, एक्स टी प्लस 1 इक्वल टू जे, एक्स टी प्लस 2 इक्वल टू के. अच्छा, ये टी प्लस 2, टी प्लस 1 सब सबस्क्रिप्ट में है. ठीक है, फुल स्टॉप. इफ द मार्कोफ प्रॉपर्टी होल्ड्स, इफ द मार्कोफ प्रॉपर्टी होल्ड्स, वी एक्सपेक्ट रिस्क, वी एक्सपेक्ट एन आई जे के, एन आई जे के टू बी एन ऑब्जर्वेशन, टू बी एन ऑब्जर्वेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लिख दिया बाइनोमियल एन आई जे कॉमा पी जे के है. अगर किसी को मेरे जे और आई में कंफ्यूजन हो रहा है प्लीज पूछ लेना. थ्योरम, तो हमने अभी तक क्या बोला है कि अगर हमारा जो हमने मॉडल फिट किया अगर वो सही है तो एक दूसरा ऑब्जर्वेशन निकालो एन आई जे के, जहां पे हम टाइम टी पे आई पे थे, टी प्लस 1 पे जे पे, एंड टी प्लस 2 पे के पे. सो एन आई जे के शुड फॉलो, या नॉट शुड फॉलो बट या शुड फॉलो एक्चुअली, या फिर इट शुड बी फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल एन आई जे, नंबर ऑफ टाइम्स यू आर मूविंग फ्रॉम स्टेट आई टू जे, कॉमा पी जे के है. पी जे के इज जो हमने ऊपर निकाला, प्रोबेबिलिटी फ्रॉम फॉर गोइंग फ्रॉम जे टू के. ठीक है, तो अब लिखो व्हील परफॉर्म, नीचे लिखना व्हील परफॉर्म काई स्क्वेयर टेस्ट, व्हील परफॉर्म काई स्क्वेयर टेस्ट. काई स्क्वेयर टेस्ट के लिए हम लोग को टेस्ट स्टैटिस्टिक चाहिएगा, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स देख लो हमारा क्या है, समेशन ऑफ
एन आई जे के माइनस एन आई जे पी हैट जे के स्क्वायर. ये एक्चुअली पता है बहुत इजी है, और अगर ये सब आता है ना एग्जाम में, जितना भी मार्क्स का मतलब वो फुल मार्क्स मिलना चाहिए. बहुत इजी है, मतलब इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता दुनिया में. ये लिखो, रुक जाओ भी डाउट्स नहीं लूंगी. आप लोगों को पता है मैं फॉर्च्यून टेलर हूं, मैं आप लोगों का डाउट समझ जाती हूँ. तो रुक जाओ, पहले लेट मी कंप्लीट देन आस्क योर डाउट. चलो देखो, फ्यूचर टेलर टेलर जो भी जिसको भी बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर. चलो देखो यहाँ पे, दिस इज व्हाट हर्षिता, क्या है ये काई स्क्वायर का, ये क्या है? वेरी गुड, इतना कंफ्यूज मत हो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. ठीक है, सो दिस इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, आर माइनस टू क्यू प्लस एस. लिखो इसके नीचे, वेयर एस डिनोट्स, एस डिनोट्स द नंबर ऑफ स्टेट्स आई, द नंबर ऑफ स्टेट्स आई इन स्टेट स्पेस, इन स्टेट स्पेस फॉर विच, फॉर विच एन आई ग्रेटर देन जीरो, फॉर विच एन आई ग्रेटर देन जीरो. ये सारे चीजों का ना मीनिंग है, ऐसे मत सोचो कि एन आई ग्रेटर देन जीरो ऐसी रबिश लिखा है, नहीं, ये हर चीज का मीनिंग है. तो ध्यान ध्यान से लिखना एकदम. एस डिनोट्स नंबर ऑफ स्टेट्स आई इन द स्टेट स्पेस फॉर विच एन आई ग्रेटर देन जीरो. क्यू डिनोट्स नंबर ऑफ पेयर, नंबर ऑफ पेयर आई कॉमा जे वेयर फॉर विच एन आई जे इज ग्रेटर देन जीरो. आर डिनोट्स द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स आई कॉमा जे कॉमा के फॉर विच एन आई जे इंटू एन जे के इज ग्रेटर देन जीरो. ये लिख लो नीचे एक बार, एन आई जे के गिवन स्मॉल एन आई जे फॉलोज बाइनोमियल एन आई जे कॉमा पी जे के. अब एक चीज यहां ध्यान दो, ये जो मैं समेशन बोल रही हूं ना, इट्स बेसिकली समेशन फॉर ऑल आई, समेशन फॉर ऑल जे एंड समेशन फॉर ऑल के. ठीक है, मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई जे के, एंड ये पूरा चीज का समेशन है बेसिकली. ठीक है, तो यहां एक बार समझ लो, इसको सम से और अच्छे से क्लियर होगा. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि एन आई जे के इज द नंबर ऑफ टाइम्स आई एम गोइंग फ्रॉम स्टेट आई जे के कंटिन्यूस. ठीक है, माइन कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूस टाइम नहीं है, कंटिन्यूस का मतलब है कि आई से जे गए, जे से के गए, द एंटायर पाथ इज गिवन. ठीक है, माइनस, अब देखो ये वाला तो ऑब्जर्वेशन हो गया, स्मॉल एन है, ऑब्जर्वेशन हो गया, मतलब कितने बार वो एक्चुअली घूम रहा है इधर उधर. This is again observation ki I se j kya, but this is what, this is the probability that we have calculated or estimated. To ye pura observation, acha chi square yaad hai sabko, kya aata tha, observed minus expected ka whole square divide by expected, wahi cheez ho gaya ye. Ye hamara observed hai, ye hamara expected aur ye hamara expected hai. Clear? Yahan pe bhi p hat likh do, kya dikkat hai? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो मैम? ये एन आई और एन आई जे के लिए जो टी का हमने रेंज लिया है फ्रॉम वन टू एन माइनस वन, तो एन माइनस वन तक क्यों लिया मैम?
मैं ही समझाऊंगी, सम से भी बोला था ना, सम से समझ में आएगा, ऐसे और थ्योरी से नहीं आएगा। और कुछ पूछूं? ठीक है, तो अभी एक एग्जाम्पल करते हैं, ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है बट इससे सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आई होप NIJ, NIJK, NI ये सब का मीनिंग क्लियर हो रहा है, PJK, PIJ सब क्लियर हो रहा है। ठीक है, एक सम करेंगे तो और क्लियर होगा एंड ऑब्वियसली आपको रिवाइज करना है। कैपिटल मतलब बेसिकली ये अगर तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है तो ये तुम्हारा रैंडम वेरिएबल हो गया। जैसे हम बोल रहे हैं कि NIJ, मैंने ऊपर में क्या लिखाया, ये वाला जो NIJ है इज फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू से दैट कैपिटल NIJ के फॉलोज बाइनोमियल। ठीक है, चलो बेसिक स्टेटिस्टिक्स आ जाओ, एग्जाम्पल लिखो। दिस इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल फ्रॉम द मटीरियल इटसेल्फ। तीन स्टेट है, 1, 2, 3। ठीक है, ये ध्यान से लिखना, मैं इसका पाथ लिख रही हूँ यहाँ पे। अब एक बार सुन लो, यहाँ सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, ये मैं जो पूरा पार्ट लिख रही हूँ ना, आप लोग को क्या निकालना है, आप लोग को इसका मेरे को N1, N2, N3, N12, N13, N11, N11 भी होगा, फिर N21, N22, N23, N31, N32, N33, ये निकाल के देना है। चलो निकालो। अब यहाँ पे वो N-1 वाला चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, करो इसको। बहुत इजी है, टाइम लग लूंगा तो इजी है। इतना गंदी हैंडराइटिंग, अरे दो पेन यूज करना चाहिए ना, नहीं तो अब कैसे कर लेगा। दिखाई नहीं तो एक पे नहीं यूज करो, पूरा बह जाएगा CSU का कॉपी, पढ़ने में अच्छा ही नहीं लगेगा। मेरा देखो 3 पेन यूज किया मैंने नोट्स बनाते हुए। ओनली स्मार्ट किड्स विल गिव द करेक्ट आंसर। अब मैंने तुम लोग अपने आप को समझ लिया है, स्मार्ट नॉन स्मार्ट। Only smart students will give the correct answer. Puneet has given the answer. Correct है कि नहीं पता नहीं, देखेंगे। N21 पेंसिल क्यों यूज कर रहे हैं? अपना कर लो ना, आपका जो भी मन करे, तुम्हें को पता मेरे गलती होगा। बोला इंडिकेटर कंडीशन वन एंड वन वन स्टार्ट स्क्रीन एनडी हो रहा है ना, जो लगा हुआ वन बाय वन वन टू ना
And 2 3 4 है ना सेम के निकला जो का
डिस्कस कर लिया ना, बांट लिया होगा आपस में, तुम लोग N1 N1 N2 N3 निकालो, हम लोग ये निकाल रहे हैं, नहीं किया, स्मार्ट ही नहीं हो फिर तुम लोग। इन लोग ऑनलाइन वाले कितने स्मार्ट, उन लोग पहली जो फर्स्ट कर रहे हैं वो अपना आंसर डाल दे रहे हैं, तो फिर दूसरा कोई करने का किसी को जरूरत ही नहीं है। जिसने आंसर नहीं डाला उसने किया नहीं है। अदिति वेरी गुड। श्लोक नहीं किया है, आदेश नहीं किया है, जितेश नहीं किया है, खुश नहीं किया है, सानिया ने नहीं किया है, अनुष्का ने भी नहीं किया है, वो नहीं, सॉरी सॉरी, जितेश ने किया, जितेश ने सारा भेजा, तनिष्क ने नहीं किया। किससे पूछ के किया तुम? चलो देखते हैं कौन सही है कौन गलत। बोलो N1 कितना आ रहा है? 6, ठीक है। N2, N3, 7 या 6? हाथ उठाओ कितने 7 बोल रहे हैं, रेज योर हैंड। कितने 7 बोल रहे हैं, रेज योर हैंड। आप सभी गलत हो, ठीक है। क्यों 7 नहीं? ये वाला हम लोग कंसिडर, मैंने क्या बोला, साधु है यहाँ बैठे बैठे मर गया, तो वो कंसिडर नहीं होगा ना। वो अगर वहां से उठ के जाता तो कंसिडर होता, ठीक है। तो 3 के बाद कहाँ गया हर्षिता, पता है क्या 3 के बाद कहाँ गया? तो हम लोग NI नहीं पता। देखो एक बहुत ही बेसिक चीज समझते हैं, जब हम लोग NIJ by NI निकाल रहे हैं, दिस इज एक्चुअली आवर मेन एम, ठीक है। ये जो हम लोग निकाल रहे हैं ये कंडीशनल है ना, NI कंडीशनल है कि NI से हम लोग निकले। NI कैसे डिफाइन किया हमने, रीड करो। NI इज द ऑब्जर्व नंबर ऑफ ट्रांजिशंस आउट ऑफ स्टेट आई। कितने बार हम लोग स्टेट आई से निकले हैं, करेक्ट, कितने बार हम लोग स्टेट आई से निकले हैं। तो ये वही चीज यहाँ पे है कि स्टेट 3 से निकले नहीं निकले, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ बोलो मैम, ये स्टार्टिंग में जो 2 दो बार रिपीट हुआ है तो उस केस में तो वो स्टेट 2 से निकला ही नहीं ना। कौन बोला स्टेट 2 से निकल के फिर 2 में? हम लोग मार्कोव चेन में ऐसे ही कंसिडर करते हैं, 2 से निकला और 2 में आया, सो दैट इज आल्सो काउंटेड इन NI, करेक्ट। अच्छा ओके, ठीक है, ये हो गया। अब बताओ N11, N12, N13। रुक जाओ, पहले N11 बोलो क्या है। N12, वेरी गुड। कौन पूछ रहे है? समझाओ, बगल वाले से पूछो। N21, वेरी गुड। तो ये वाला जो लास्ट वाला है ये डेफिनेटली काउंट होगा, एंड एक बीच में और यहाँ है तो ये वाला भी काउंट होगा। इज दिस क्लियर? किसी को भी डाउट है इस पूरे चीज में देख लो, पूछ लो। अब अगर हमारा ये आ गया है, इसको ऐड करो तो कितना आ रहा है? दिस शुड ऐड अप टू N1। ये कितना आ रहा है? आया मैजिक, ठीक है, मजा आ रहा है ना पढ़ के। ये मतलब आई एम नॉट जस्ट यू नो, ऐसा कुछ नहीं कि मैं अपना तारीफ करूँ या कुछ, जस्ट अ नॉर्मल थिंग। जस्ट फ्यू डेज बैक, लाइक माय, बोल सकते हो माय फर्स्ट CS2 बैच, जब मैंने पेपर भी तो आई एम टीचिंग फ्रॉम 2019, बट मेरा CS2 का पेपर ए का जो फर्स्ट बैच था दैट वाज इन सितंबर 2020, ठीक है, मतलब सितंबर 2020 वाज माय फर्स्ट बैच। तो जब आपका फर्स्ट बैच नहीं, दैट वाज फॉर एग्जाम अप्रैल 2020, मतलब मैंने स्टार्ट किया था सितंबर 2020 से पढ़ाना फॉर अप्रैल 2021 बैच। तो क्या होता है ना, जब आपका फर्स्ट बैच होता है वेरी नर्वस, ठीक है, तो उसमें आप अपना 110% देते हो, बट ऑब्वियसली विद टाइम एंड विद एक्सपीरियंस, जो अभी जैसे मैं पढ़ा पा रही हूँ, उस समय आई यूज टू टीच इन द सेम वे, बट उतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, मे बी। सो
मेरी उस समय की स्टूडेंट, लाइक शी वॉज इन हर सेकेंड ईयर, नाउ शी इज गिविंग CP1, शी गेव दिस टाइम. तो उसने मुझे मैसेज किया, लाइक वी वर जस्ट टॉकिंग ऑन CP1, कि मुझे अभी तक मार्कोव चेन्स याद है, मतलब थोड़ा बहुत. सब लोग ये बोलते थे डिफिकल्ट है, बट CS2 में अभी तक मार्कोव चेन्स मेरे को इतना पसंद है, एंड CS2 मेरे को लिटरली अभी भी पसंद है. एंड उसको, शी इज इन आई थिंक लाइफ इंश्योरेंस, बट उसको जनरल इंश्योरेंस, मतलब ये अभी तक पसंद है. बिकॉज ऑनेस्टली अगर कोई चीज आप लोग मन से पढ़ो, क्योंकि मैं मन से पढ़ा रही हूँ, आप लोग अगर मन से पढ़ोगे ना मार्कोव चेन, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. तो जस्ट दैट सम्स थोड़े डिफिकल्ट है, नो डाउट, ठीक है, डिफिकल्टी विल इंक्रीज. द थिंग इज यू हैव टू वर्क ऑन इट. आपको कॉन्सेप्ट अपना 100% क्लियर रखना है. सो वो जो जब उसने बोला ना कि मार्कोव अभी तक क्लियर है, तब मैंने डिसाइड किया कि दिस टाइम आई विल स्टार्ट विथ मार्कोव, बिकॉज हमेशा मार्कोव में एंड में पढ़ाती हूँ. बट इसीलिए मैंने अभी स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया कि चलो डिफिकल्ट से ही स्टार्ट करते हैं. बट डिफिकल्ट है नहीं, ऑल्दो इट्स नॉट डिफिकल्ट, पीपल आर सेइंग इट टू बी डिफिकल्ट, बट इट्स एक्चुअली नॉट डिफिकल्ट. सो दैट इज आई हैव चेंज्ड द पैटर्न. पहले मैं CT6 करती थी, बट इस बार आई हैव स्टार्टेड विद मार्कोव. तो अच्छे से हम लोग पूरा स्टोकास्टिक खत्म करेंगे, फिर डिटर्मिनिस्टिक खत्म करेंगे, देन CT6 एंड देन न्यू चैप्टर्स, या फिर न्यू चैप्टर्स देन CT6, दैट आई विल डिसाइड. ठीक है, ऑल राइट. एंड आप लोग को पता भी नहीं चलेगा, आप लोग का 2 to 3 weeks में पूरा चैप्टर 1 to 5 कवर हो जाएगा, जो लोगों को बहुत टाइम लगता है करने में. डन. नाउ नेक्स्ट, टेक आउट PIJ निकालो. PIJ मतलब P11, P12, P13, P21, वो सारा कुछ निकालो. हाँ मारूफ बोलो. मैम ये आपने जो ऑर्डर दिया है एक्साइज का, तो अगर एंड में जैसे अभी यहाँ पे 3-3 है, तो अगर 2-2 अगर होता या 1-1 होता, तो उसमें फिर हम उसको 4 ही, मतलब 6 ही काउंट करते हैं. हाँ हाँ, नहीं अच्छा. अगर इसके बाद तुम 2 लगा दोगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा ना, N3. okay. क्योंकि अब यहाँ से जा रहे, पर तुम्हारा N2 ये रहेगा, क्योंकि ये लास्ट वाला नहीं कंसिडर होगा. इसको हटाने दो. चलो स्टार्ट. P11, P12, P13. बोलो P11 क्या है? 1/6. बोलते जाओ. 2/6, 3/6. वेरी गुड. 3/7, 2/7, 2/7. एंड 1/6, 3/6, 2/6. लोगों, तुम लोग पे थोड़ा मेरे को कम कॉन्फिडेंस है. सही है. चलो अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, अब निकालना है NIJK. निकालो N111, N112, N113. ऐसे कितना बनेगा? बहुत सारा तो पता ही है, नंबर बताओ. 1 का 9, 1 का 9 बनेगा कैसे? 3 है ना, 3 क्यूब. चलो 3 स्क्वायर, सॉरी. चलो करो. एक बार रुक जाओ, स्टॉप. एक काम करते हैं, हर बार जो मैं स्टूडेंट्स को मेहनत कराती हूँ, आप लोग को नहीं करा रही हूँ, 2 बार लिखते हैं वो. अब हम लोग टेबल में एक साथ में लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को टेबल बनाना ही पड़ेगा. तो IJK का एक टेबल बनेगा, एक कॉलम. NIJK का एक कॉलम. उन लोग से मैं हमेशा डबल मेहनत करवाती हूँ, बट ठीक है, चलो आप लोग क्या याद रखोगे. ये आगे का भी नहीं बताऊंगी क्या है. चलो करना स्टार्ट करो. IJK मतलब 111, 112, 113, 11 नहीं, 121, 122, 123. पहले इतना कर लो, फिर आगे बढ़ना.
क्या आ रहा है बताना, एन आई जे 01 00 11 01 01 02 वेरी गुड एनआईजे हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान रखना है हम लोग को किसी बस मटेरियल है एक देना करो तुम लोग ये ये बेसिकली हमारा हैट है क्योंकि हम ये निकाल रहे हैं पी जे के क्या हो जाएगा यहाँ पे P11 P12 P13 ये वाला देखना ठीक है बोलो ना एक बार 1/6 ठीक है नेक्स्ट लिखेंगे एन आई जे इंटू पी जे के ये हम लोग का ऑब्जर्व होगा एक्सपेक्टेड होगा ठीक है एग्जाम में फ्रैक्शन में लिखना होगा डेसिमल्स में अप टू 3 डेसिमल्स ये वाला मैं बाद में निकालूंगी चलो इसको कंप्लीट करूं ये हो गया यहां तक अब इसके बाद वाला 9 करो टू वन वन क्या होगा बताना वेरी गुड ये समझ में आ रहे हैं ना कैसे कर रहे हैं 211 मतलब यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 211 कब आए 211 211 यहाँ आए एक बार खाली ठीक है वैसे करके ये ऑब्जर्व्ड है सब नेक्स्ट है हमारा एन आई जे मतलब 21 21 21 ये तो हम लोग निकाल ही चुके हैं 21 क्या था 3 है टू टू टू
हाँ पी जे के इज पी जे के बाय एन जे यस प्रेरणा पीजेके की वैल्यूज तो रिपीट होंगी ना सेम। हाँ करेक्ट करेक्ट वेरी गुड पी जे के का वैल्यू सेम होगा क्योंकि हम लोग 1 1 1 2 1 3 2 1 ये हम लोग का जो तरीका है लिखने का वो सेम है तो रिपीट होगा कॉपी करने का ट्राई करती हूँ मैं आप लोग पूरा करो यस कुछ तो गड़बड़ हो गया इसीलिए हमेशा शॉर्टकट नहीं यूज करना चाहिए लाइफ में अच्छा समझ में आ रहा है मेरी होल लाइफ लेसन क्या लाइफ लेसन सीखा यही सीखो तुम ये क्या था 3 3 क्या था 2 चलो ये बार क्विकली मेरे को बता दो ना मैं लिख लेती हूँ पहला वाला ठीक है तो तुम 2 by 6 क्यों बोला फिर और ये वाला निकालो अब चलो ये अलग आएगा ये मत कॉपी कर देना बेवकूफी जैसे बेसिकली दिस इंटू दिस अच्छा तुम लोग तो फ्रैक्शन में ही करो छोड़ो साक्षी मेरे को भी आता है बेसिक कैलकुलेशन तुमको समझ में आ रहा है ना बस ठीक है नेक्स्ट हाँ एक और है बस इसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकालने के लिए ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड बाय एक्सपेक्ट का होल स्क्वायर बाय एक्सपेक्टेड चलो अब इसके बाद क्या बचा 3 1 1 3 1 2 3 1 3 3 2 1 3 2 2 3 2 3 कितना मजेदार है ना 3 3 1 3 3 2 चलो खत्म ऑब्वियसली आता है अरे ये सोचो आ जाए ऐसा क्वेश्चन हाँ नहीं आता है तभी तो इजी क्वेश्चंस नहीं देते वो ये मैं फालतू का ही लाइंस बना रही हूँ तुम लोग के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ मैं चलो अरे क्या हो गया ये यहाँ तक क्यों नहीं आ रहा टेढ़ा हो गया पूरा लाइंस बोलो नेक्स्ट ये वाला अगेन हाँ एक सेकेंड रुको ये मुझे ना तुम लोगों ने ये वाला क्या बोला था 0 बोला था ना एक सेकेंड रुकना नहीं सही है ठीक है हाँ बोलो स्टार्ट करो चलो थ्री जीरो वन 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 जीरो 0 10 1 1 1 एंड 0 1 0
इसमें 111 एंड 2333 एंड 222 111 333 एंड 222 ये क्या होगा? अब एक सेकंड, यहां सब लोग ध्यान दो, सब कुछ छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई और यहाँ ध्यान दो। 331 ये जो हम लोग लिख रहे हैं, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं जिज्ञासु? ये क्या है? ये वाला कौन सा रो है? ये वाला एन आई जे है। हाँ तुम क्या बोल रहे हो? बोल एक बार। एन थ्री थ्री का वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो टू टू है ना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं? इसके बाद हम लोग एक के निकाल रहे हैं ना, तो थ्री थ्री के बाद कहाँ गया पता है? तो थ्री थ्री के बाद कहाँ गया पता है? लास्ट वाले के लिए। तो जे के लिए यहाँ पे आप लोग 111 लोगे, नॉट 222, क्योंकि लास्ट वाला जो हमारा 33 है, ये वाला, ये जो हमारा 33 है, इसके बाद कहाँ जाएंगे नहीं पता। तो आप एन आई जे तो निकाल सकते हो के, तो इसीलिए हम लोग जब, और हम लोग ये क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वी आर यूजिंग दिस एन आई जे, मल्टीप्लाइंग इट विद पी जे के टू गेट दिस एन आई जे के। दिस इज एक्चुअली वर्ड, दिस इज ऑब्जर्व, दिस इज एक्सपेक्टेड एन आई जे के, दिस इज एक्सपेक्टेड, है ना, दिस इज एक्सपेक्टेड एन आई जे के। तो आई जे के बाद कहाँ जा रहे हैं जब पता नहीं, तो उसमें नहीं ले सकते, करेक्ट? यही गलती होता है, यही गलती हो जाता है। अब सॉर्टेड है, अब सॉर्टेड है सबको, क्लियर तनिष्क? ठीक है, वेरी गुड। मरूफ, मैंने ये बोला कि 33 के बाद आप कहाँ जा रहे हो आपको नहीं पता, तो जब आप इसको ये ले रहे हो ना, यहाँ पे एन आई जे के, इसको जब आप ले रहे हो, तो ये आई जे है और ये के है ना, तो ये हम यहाँ पे एन आई जे कैलकुलेट कर रहे हैं इस रो में, इस कॉलम में। तो यहाँ आप इसको टू नहीं लिख सकते, बिकॉज आपको लास्ट वाला 33 के बाद कहाँ जा रहे नहीं पता, तो आप उसको कंसिडरेशन भी नहीं ले सकते हो। गॉट इट? बोलो। जैसे हम एन आई के लिए कर रहे थे, क्योंकि हम पी आई जे निकाल रहे, तो हम क्या करें, एन आई जे बाई एन आई, तो वो जो एन आई हम लोग लास्ट वाला 3 कंसिडर नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद कहाँ जा रहे जे नहीं पता। सिमिलरली जब हम एन आई जे के निकालेंगे, तो भी तो हम लोग को कंसिडर करना है। क्लियर है? वेरी गुड, चलो कंप्लीट करो। अब ये लास्ट वाला जो कॉलम है, इसको पूरा आप लोग डेसिमल्स में, अच्छा ये दोनों बचा हुआ है, चलो ये बार बता दो ना मेरे को जल्दी से, ये तो सेम आएगा, एक बार फिर से बता दो। हाँ 1/6, ठीक है। और ये वाला बताओ, ये क्या है? ये बेसिकली हम लोग का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये मैं कर लूंगी। ये वाला कॉलम कंप्लीट करो, ये कॉलम बेसिकली हम लोग का, यहाँ देखना एक बार, ये हमारा ऑब्जर्व्ड है, ये हमारा एक्सपेक्टेड है, तो ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर, ठीक है, करना, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एन आई जे के माइनस एन आई जे इंटू पी जे के डिवाइडेड बाय, ये पी जे के में हैट दे देना आप लोग, चलो, और ये डेसिमल्स में लिखना है।
तीन लो, तीन डेसिमल्स तक लिखो, थ्री डेसिमल्स. आराम से टाइम लेके सॉल्व करो, गलत मत करना. अच्छा 12th आज क्या है? हाँ डेली आने समझा. उसके बाद तो एक है ना, तुम लोगों को काम ही नहीं है, ऐसे तुम लोग घूमोगे कॉलेज के बिना. वो क्या पूरा कहते टोटल करो फिर इसका पूरा कॉलम का. हाँ टोटल प्राइस पर टेस्ट बुक है. चलो तो मेरे को आंसर बताते जाते हम लोग वेरीफाई कर सकते हो. मेहुल चलो बोलो आंसर्स. 0.1 0.3 1.63 0.3 2 1 4 0.3 2 1 4 0.5 0.167 given him. Square 0.5 1 0.167 1.523 0.5 10 1 2 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1 0.5 10 1
इसका एडिशन करो तब हम लोग का टोटल आएगा, क्योंकि क्या था, समेशन था ना, समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, nijk माइनस nij इनटू pjk हैट का स्क्वायर डिवाइड बाय nij इनटू pjk, पूरा ऐड करके बताओ क्या आ रहा है. Test statistics. इंडिविजुअली भी तुम लोग कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट नाइन फिर सेकेंड नाइन फिर थर्ड नाइन, वैसे नाइन 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 का करके अगर कोई वैसे करे तो मेरे को तीनों पार्ट बता देना, ठीक है. एड करके 14.61 आ रहे है, क्योंकि 14.61 शुड बी द आंसर. तो तुम लास्ट वाला गलत बोले, खाली लास्ट नाइन का बताओ. दिस शुड फॉलो काई स्क्वायर, क्या लिखा था हमने, आर माइनस टू क्यू प्लस एस थ्री. ठीक है, तो अब मेरे को बताओ एक एक करके आर क्या है, टू क्यू, अच्छा खाली क्यू बता दो. चलो अरे क्यू क्यू क्या है और एस क्या है. आर क्या दिया हुआ है, आर क्या दिया हुआ है, डिफाइन क्या क्या आर, नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स कितने बन रहे हमारे. एक चीज देखना, नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स के बाद एक चीज और लिखा हुआ है, आर के लिए क्या लिखा हुआ था, नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स फॉर विच एन आई जे इंटू एन जे के शुड बी ग्रेटर देन, मतलब कि अगर कोई भी एन आई जे अगर जीरो है, कोई भी एन आई जे जीरो है तो वो कंसिडर. तो यहाँ पे कोई भी एन आई, क्योंकि एन आई जे इज सिमिलर टू एन जे के, मिक्स मैच करके इधर उधर करके, यस और नो. तो इसीलिए अगर जो भी एन आई जे आप लोग निकाल रहे हो, एन जे के शुड बी सिमिलर, उल्टा करके बस. तो क्या आ रहा है वहां पे, एक भी जीरो आ रहा था क्या हमारा एन आई जे, एक भी जीरो आ रहा है, कौन सा जीरो आ रहा है, nij एक भी जीरो नहीं आ रहा है. तो ये कितना हो जाएगा, कितने ट्रिपलेट्स पॉसिबल है, 27, 9 into 3 बेसिकली. पर तुम 22 का रखा था उसमें.
समझने का इतना मॉडलिंग करने का जरूरत नहीं है. चलो R27 क्योंकि हमारे 27 9 into 3 triplets बन रहे हैं. क्यू के बारे में क्या लिखा हुआ है? क्यू क्या है डिफाइन करो फॉर विच एनआईजी. तो क्या हो जाएगा नाइन है ना एनआईजे कितना है 1 1 1 2 ऐसे करके ठीक है. और एस एस क्या डिफाइन किया हमने एन एन. तो अब डालो इसमें बताओ कितना आ रहा है काई स्क्वायर ट्वेंटी सेवन माइनस 18 प्लस 3 तो टेबल बुक में 12 का काई स्क्वायर 12 5 पे काई स्क्वायर इज ऑलवेज राइट टेल टेस्ट 5% पे देख के अगर नहीं पता अगर नहीं है टेबल बुक इट्स फाइन. एट 5% लेवल कितना वैल्यू आएगा क्रिटिकल वैल्यू हमारा टेबल बुक देखना आता है ना तुम लोगों को. थैंक गॉड ऐसा होता है काई स्क्वायर क्रिटिकल वैल्यू 5% वाला बताओ कितना है. ये वाले रीजन में अगर हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लाई करेगा विच इज रिजेक्शन रीजन ये होता था एक्सेप्टेंस फ्लैशबैक CS1 14.61 आना चाहिए. ये मटेरियल का पेज नंबर टुवर्ड्स द एंड सेकंड चैप्टर का टुवर्ड्स द एंड का एक एग्जांपल है तो अगर कहीं भी किसी ने गलती की है तो वहां से यू ऑल कैन मैच द कैलकुलेशन ठीक है. 21 वेरी गुड 21.03 तो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कहां लाई कर रहे हैं यहां पे लाई कर रहे हैं 14.61 इन द एक्सेप्टेंस रीजन. तो we do not reject null hypothesis basically hum log kya bol rahe markov property holds true and we can model this as a markov chain matlab hum log all in all kya conclude kare ni capital ni j k follows binomial ni j comma p j k understood. हाइपोथेसिस इज बेसिकली ये हम लोग लिख रहे हैं कि दिस इज मार्कोव चेन बना सकते हैं मतलब देयर इज मार्कोव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू एंड दिस एनआईजे के गिवन एनआईजे फॉलोज बाइनोमियल एनआईजे कॉमा पीजे के सो दिस कैन बी मॉडल्ड एज अ मार्कोव चेन ये होगा पूरा ठीक है. बेसिकली ये मेन चीज है. अंडरस्टूड एनी डाउट एनी डाउट बोलो. हंसो मत क्लास खत्म नहीं हुआ 5:30 हुआ खाली. ये तो मेरा स्किल है कि मैं इतना जल्दी पढ़ा देती हूँ. ठीक है डन. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे मॉडल ऑफ एक्सीडेंट प्रोननेस. तो ठीक है 5 मिनट्स ब्रेक अभी हो रहा है. एक सेकेंड यहां से उठेगा नहीं कोई और कोई कैमरा भी नहीं ऑफ करेगा. हाँ मरूफ बोलो. 5 मिनट स्टार्ट हो चुके हैं मैम. वो रिगार्डिंग वो n माइनस 1 का आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो. ये चीज n माइनस 1 जो हमने 3 नहीं लिया ना n यहाँ पे कितना आ रहा है सो काउंट करो तो 3 हमने नहीं लिया था वही n माइनस 1 है. गॉट मैम. ये इजी लग रहा है क्लास में पर इजी है नहीं. इसको पढ़ना पड़ेगा वापस घर जाके 2-3 बार. मॉडल ऑफ एक्सीडेंट प्रोननेस ये जो एग्जाम्पल हमने किया है उसका पेज नंबर लिख लो. पेज नंबर 43 ऑफ चैप्टर 2 42 एक्चुअली पेज नंबर 42 ऑफ टेबल बुक सॉरी ऑफ चैप्टर 2. मॉडल ऑफ एक्सीडेंट
प्रोनेस हाँ देखो ये होता है डेडिकेटेड बच्चा, हेडिंग लिख के रेडी। अच्छा मैंने एक देखा तो और बाकी देखने लग रहे थर्टी टू प्लस फाइव इज 37। चलो तुम जैसे ही फोन ली मेरे को पता चल गया ना, बाद में रिप्लाई कर देना जिसको भी करना है। लिखो मॉडल ऑफ एक्सीडेंट प्रोनेस, वापस आ जाओ प्लीज, कैमरा ऑन करो, वी आर बैक आफ्टर ब्रेक। हाय हेलो, कैमरा क्यों बंद कर देते, मेरे को समझ में नहीं आता। मतलब यहाँ पे जो फिजिकल क्लास में बैठे हैं वो कैसे अपने आप को छुपाए, तुम लोग कैमरा जो ऑफ करते हो, यहाँ जो फिजिकल में बैठे वो कैसे अपने आप को छुपाए, ये तो गलत है ना। कैमरा ऑफ नहीं कर सकते, जो करने कैमरा ऑन है तो बाहर जाने जाओ, जो करने करो, बट कैमरा नहीं ऑफ कर सकते, ये चीटिंग है जो यहाँ बैठे उनके साथ। चलो लिखो, फॉर अ गिवन ड्राइवर। अच्छा पहले एक बार एक बैकग्राउंड लेते हो, इधर इधर ध्यान दो, एक बैकग्राउंड ले रहे हो। सो बेसिकली हम लोग ना बहुत सिंपल मॉडल अज्यूम करने वाले हैं, बिकॉज सी जब भी आप मॉडल बनाते हो यू मेक अ लॉट ऑफ अजम्पशंस, एंड वॉट वी से मॉडल इज एज गुड एज इट्स अजम्पशंस। ठीक है, तो ये जो हम लोग ये वाला मॉडल पढ़ने वाले हैं, मॉडल ऑफ एक्सीडेंट प्रोनेस, ये पहले नहीं था CT4 में। दिस आई थिंक ये
2019 में इन्होंने निकाला होगा. सो इट्स अ वेरी गुड मॉडल बट इट्स अ वेरी सिंपल मॉडल. ठीक है, जहां हम लोग बहुत सिंपलिस्टिक अजम्पशंस लेंगे. तो लिखना, फॉर अ गिवन ड्राइवर एनी पीरियड जे इज आइदर एक्सीडेंट फ्री. दैट इज, बोर्ड पे देखो, वाई जे इक्वल टू जीरो, प्रोबेबिलिटी वाई जे इक्वल टू जीरो, और गिव राइज ऑल और गिव्स राइज टू एग्जैक्टली वन एक्सीडेंट, टू एग्जैक्टली वन एक्सीडेंट, that is probability yj equal to 1, that is probability yj equal to 1. ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन टाइम फुल स्टॉप, ड्यूरिंग अ गिवन टाइम फुल स्टॉप. नेक्स्ट पैराग्राफ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, the probability of an accident in the next period is estimated using the driver's past records as follows. जो मैं लिख रही हूं उसको कॉपी करो. वेरी गुड क्वेश्चन. बन नहीं, ये बहुत अच्छा है. एटलीस्ट तुम गलत नहीं लिखेगा, क्योंकि मेरे क्लास में ये सब बहुत होता है. अब देखो यहां पे, सो बेसिकली ध्यान से सुनो, ये जो हमारा कैपिटल वाई है, ठीक है, एंड दीज आर ऑल स्मॉल वाई बेसिकली. सो एन माइनस एन प्लस वन इज द टाइम पीरियड. तो हम यहां पे क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की टाइम एन प्लस वन पे एक एक्सीडेंट होगा गिवन पिछले एन टाइम पीरियड्स में क्या हुआ था. ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी क्लियर है. और मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है कि दो चीज होगा, या तो इट्स एन एक्सीडेंट फ्री ईयर मतलब जीरो एक्सीडेंट है, या तो एग्जैक्टली वन एक्सीडेंट है. मतलब क्या अजम्पशन लिया हमने, एक से ज्यादा एक्सीडेंट एक साल में नहीं हो सकता. दिस इज अ सिंपलिस्टिक अजम्पशन दैट वी हैव मेड, कि एक साल में एक एक्सीडेंट से ज्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, अनदर थिंग, हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट्स अ फंक्शन ऑफ ऑल द पास्ट एक्सीडेंट्स. तो मतलब एन प्लस वन पे
होगा या नहीं विल डिपेंड ऑन ऑल द पास्ट वैल्यूज वन से लेके एन तक का, ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या बनाया है, हमने दो चीज का फंक्शन, फंक्शन एफ एंड फंक्शन जी। फंक्शन एफ इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ ऑल द पास्ट एक्सीडेंट्स एंड फंक्शन जी इज फंक्शन ऑफ द टाइम, ठीक है, अंडरस्टूड। यहां तक क्लियर है बेसिक। और दूसरी बात, ये ऑब्वियस है कि दो चीज ही हो सकते हैं, या तो एक्सीडेंट होगा या एक्सीडेंट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वन माइनस पिंट आई थिंक, क्लियर है, ये भी क्लियर है, देख लो। क्या ये मार्कोव है, क्या ये मार्कोव है, कितने टाइम से, शुरू से लेके अभी तक पे डिपेंडेंट है। तो एन प्लस वन इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन एन बट ऑल्सो एन माइनस वन, एन माइनस टू, डॉट 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 जीरो तक। सो दिस इज नॉट मार्कोव, दिस इज नॉट मार्कोव। ये जो एन है, दिस एन इज बेसिकली कितने टाइम से वो कार चला रहा है, ऑब्वियसली उसका एज नहीं है। अगर वो 10 साल से कार चला रहा है तो एन इज बेसिकली 10, क्लियर, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, ध्यान देना, आप लोगों को लिखना नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूं उधर पे। अगर मैं ऐसे लिखूं एफ 10 बाय जी 50, बहुत अच्छे से नींद आ रहे, किसको नींद आ रहे, एफ 10 बाय जी 50, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि 50 इयर्स में उसने इन टोटल 10 एक्सीडेंट्स के, क्यों, क्योंकि आई एम एडिंग ऑल दीज वैल्यूज, तो दीज वैल्यूज कैन आइदर बी 0 और 1, सो आई एम एडिंग ऑल दीज। तो 50 इयर्स में मतलब y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 y50 इज कमिंग एज 10, मतलब उसने 10 एक्सीडेंट्स किए हैं इन लास्ट 50 इयर्स, यस और नो, 50 इयर्स, 50 डेज, व्हाटएवर, जो भी आप ले रहे हो, ठीक है। तो इसको मार्कोव बनाने के लिए, अगेन मार्कोव नहीं है तो मार्कोव बनाना पड़ेगा। तो लिखो, लिखना, टू अटेन मार्कोव प्रॉपर्टी, टू अटेन मार्कोव प्रॉपर्टी एक्स एन, हम लोग डिफाइन करेंगे कैपिटल एक्स एन, विच इज समेशन ऑफ जे गोज फ्रॉम 1 to n वाई जे। ये कैसा दिखने में लग रहा है, रैंडम वॉक के जैसा कुछ लग रहा है, जहां पे एक्स एन इज इक्वल टू, एक्स एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन लास्ट एन ईयर्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन लास्ट एन ईयर्स, ठीक है। सो नाउ वी कैन राइट पार्ट वन जो हमने ऊपर लिखा एज probability x n plus 1 is equal to x n plus 1 given x n equal to f x n by g n। कैसे लिखा हमने ये, देखो एक बार, एक बार यहां ध्यान दो। सो बेसिकली ऊपर में क्या था, y n plus 1 is equal to 1 का क्या मतलब है, n plus 1 पे एक्सीडेंट होगा given all past values। तो अब हमने उसको कैसे define कर दिया, x n plus 1 मतलब state या फिर number of accidents by time n plus 1 is basically equal to number of accidents till time n plus 1। इसका मतलब है y n plus 1 is definitely equal to 1, क्यों, क्योंकि x n plus 1 is equal to x n plus, it's like a random walk only, it's like a random walk only, ठीक है ना। अब यहां पे मैंने क्या लिखा है, स्मॉल एक्स एन क्योंकि ऑब्जर्व्ड है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स वाई वन वाई टू डॉट 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 प्लस सबको कर दिया वाई वन प्लस वाई टू डॉट डॉट वाई एन तक, विच इज एक्स एन, और ये एन हम लोग का नंबर ऑफ इयर्स है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो ब्रैकेट में एक्स स्मॉल एक्स एन इक्वल टू, वो कंसिडर नहीं करे अपने, पॉलिसी खत्म, वहीं तक एन वहीं तक कंसिडर होगा फिर,
we are just modeling the number of accidents, accident proneness. एक्सीडेंट में डेथ हो रहा है कि नहीं वो हम मॉडल नहीं कर रहे. एक्सीडेंट हो रहा है बस वहीं तक मॉडल कर रहे हैं. ठीक है, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन गिवन. ये सेकेंड वाला मैं लिख रही हूँ क्यों, क्योंकि एक्स एन प्लस जीरो, ये जीरो क्या है, वाई एन प्लस वन बेसिकली. ठीक है, इक्वल टू पूरे में नहीं है, खाली इसमें. तो अब यहाँ पे कैन वी से कि एक्स एन प्लस वन पे एक्सीडेंट होगा या नहीं, ओनली डिपेंड्स ऑन एक्स एन, कितने नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है टिल टाइम एन. सो नाउ दिस इज अ मार्कोव, सो एक्स एन इज मार्कोव बट वाई एन इज नॉट मार्कोव. ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक बार सब यस लिख दो. तनिष्क, कॉफी, चाय क्या पीना है बोलो? हॉट हॉट चॉकलेट, कोल्ड कॉफी, क्या पीना है? यस लिख दो प्लीज सब लोग. एक जन और यौन किया मेरी क्लास में, सीधा बाहर. हाँ, कैसे रोके, बाहर जाओ, क्लास के बाहर जाओ, जो करने करो, सो जाओ जाके. अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज लिखने. सो बेसिकली दिस इज देयर इन पेज नंबर 27 ऑफ चैप्टर 2, लिख सकते हो आप लोगों को लिखना है तो, फिर आप लोग रीड कर सकते हो जाके घर पे उसको. पेज 27 कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं. पहला कुछ कुछ तो नहीं है, एक या दो ही है. एफ एक्स एन स्मॉल एक्स होगा एंड जी एन आर इंक्रीजिंग फंक्शंस, आर इंक्रीजिंग फंक्शंस फुल स्टॉप. ठीक है, कैसे इंक्रीजिंग फंक्शंस है समझते हैं. तो ये ना मैं कुछ लिखवा नहीं रही उधर की ऐसा कुछ हाईफाई, बस समझो इस चीज को. एंड आपके मटेरियल में पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है छोटा सा एकदम, तो आप लोग रीड कर सकते हो. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट कि कैसे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. सबसे पहले तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, एफ एक्स एन विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द इनपुट वैल्यूज विच इज एक्स एन. If xn increases, fxn will increase. Similarly, g के लिए बोलेंगे, as n increases, gn will increase. घट सकते हैं. कैसे घट सकते हैं? अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, अगर n घटेगा तो ये भी घटेगा. रॉन्ग डेफिनेशन. ठीक है, तो ये सही हुआ. मैं एक बार ये हटा रही हूँ. किसका फोन आ रहा है, सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है आज? ठीक है, अब ध्यान दो, अब यहां ध्यान दो. अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेट्स से सपोज हम लोग एक चीज को कांस्टेंट बनाते हैं. कुछ लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना है हर्षिता, देखो फिर मैं टाइम दूंगी लिखने का. लेट्स से सपोज ये कांस्टेंट है, ठीक है, एन इक्वल टू 10, योर्स हमारा कांस्टेंट है. ठीक है, अब बताओ किसका प्रोबेबिलिटी ऑफ, लेट्स से सपोज ये जीरो है, ये कहां तक जा सकते हैं मैक्स? 10 तक. 10 ईयर्स में 10 एक्सीडेंट से ज्यादा नहीं होगा. ठीक है, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, एफ एक्स एन डिवाइडेड बाई जी एन इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इन योर एन प्लस वन. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इन योर एन प्लस वन. अब इसको हम कॉन्स्टेंट कर दिया हमने, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है किसके लिए ज्यादा होगा, जिसका जीरो वन एक्सीडेंट हुआ है 10 ईयर्स में, या जिसका 9 एक्सीडेंट हुआ है 10 ईयर्स में? चैट बॉक्स में लिखो, जिसका वन एक्सीडेंट हुआ है लास्ट 10 इयर्स में या जिसका 9 हुआ है. ऑब्वियसली जिसका 9 हुआ है.
मतलब वो बहुत रैश ड्राइव करता है, वॉट एवर इज द थिंग, तो उसका एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा है. रुक जाओ मारूफ, ज्यादा है. ठीक है, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करना है. सो बेसिकली इफ योर xn इज हाई, तभी हमारा fxn हाई होगा एंड तभी प्रोबेबिलिटी विल बी हाई. यस और नो? यस और नो? तो सेम टाइम पीरियड पे 10 इयर्स में अगर दो xn के वैल्यूज गिवन है, एक 1 और एक 10, तो जिसका xn ज्यादा होगा उसका fxn शुड बी हाई, सो दैट वी गेट अ प्रोबेबिलिटी n प्लस 1 इक्वल टू 1 एज हाई. क्लियर? यस और नो? अब तुम लोग अपना अपना अजीब अजीब लॉजिक सुनो. चलो बोलो कि 1 हुआ है जिसका, ये वो नहीं है, ये बेटिंग नहीं है, ये गैम्बलिंग नहीं है. ठीक है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट हिस्ट्री, वो चीज मैंने फर्स्ट में लिखा है. ऑब्वियसली अगर मेरे एक इंश्योरेंस कंपनी के पास डेटा है कि जापान में एवरी ईयर अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर आने का चांस ज्यादा है क्योंकि वो अर्थक्वेक प्रोन जोन पे रहता है ना. सिमिलरली अगर एक इंसान कोस्ट पे रहता है, कोस्ट में उसका घर है, कोस्टल एरिया में, तो उसका डिजास्टर होने का प्रोबेबिलिटी इज हायर देन अस हु आर लिविंग हियर. दैट इज हाउ इंश्योरेंस कंपनीज कैलकुलेट प्रीमियम. तो इसीलिए जिसका पास हिस्ट्री गलत है, खराब है, तो उसका प्रोबेबिलिटी हम ज्यादा लेंगे, उसे हम ज्यादा प्रीमियम चार्ज करेंगे. बेचारा जिसने एक एक्सीडेंट किया है आज तक अपने 10 साल के ड्राइविंग करियर में, तो उसको क्यों ज्यादा चार्ज करेंगे? उसने क्या गुनाह किया? उसने तो एक ही एक्सीडेंट किया. एनी मोर आर्ग्यूमेंट्स? एनी मोर आर्ग्यूमेंट्स इन दिस? नो? अरे आपका एक्सीडेंट हो चुका है, ज्यादा आराम से नहीं चलाएंगे क्या? अब घर में चप्पल पड़ चुका है. 9 एक्सीडेंट्स उसने 10 साल में ऑलरेडी कर दिया है, उसको अब फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज से. तुम अपना अलग इंश्योरेंस कंपनी खोलना और एडवर्स सिलेक्शन सर्च करना जाके, वो तुम्हारे कंपनी में हो जाएगा. ठीक है, सो बेसिकली ऑब्वियस है कि जिसका ज्यादा एक्सीडेंट्स हुआ है अभी तक, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट विल बी हाई. तो इसीलिए ऑब्वियसली हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे इन लास्ट एन ईयर्स अगर एक्सीडेंट्स हायर है, सो प्रोबेबिलिटी हाई होगा एंड उसके लिए हमें एफ एक्स एन को इंक्रीज करना पड़ेगा. सो इफ एक्स एन इंक्रीजेस, एफ एक्स एन विल इंक्रीज. अंडरस्टूड? अब जी एन के लिए समझते हैं. सेम लॉजिक से लेट्स कीप एफ एक्स एन एज फिक्स्ड. तो लेट्स टेक एक्स एन इज इक्वल टू 9. ये हमारा फिक्स्ड है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स टिल टाइम एन, हमारा फिक्स्ड है. अब दो बंदे हैं, ठीक है, एक एन इक्वल टू लेट्स सपोज एक का 10 है. रुक जाओ एक मिनट, यहाँ ध्यान दो. तुम लोगों को पता है बहुत कंपनीज होती हैं जो फीमेल ड्राइवर्स को कम प्रीमियम चार्ज करती है क्योंकि फीमेल ड्राइवर्स आर कंसिडर्ड टू बी सेफर ड्राइवर्स एंड मेल ड्राइवर्स आर कंसिडर्ड टू बी रैश ड्राइवर्स. दिस इज ट्रू. तो अब बताओ इस पे क्या है? बिकॉज दे हैव कलेक्टेड पास्ट डेटा एंड दे हैव सीन दिस कि क्लेम्स ज्यादा मेल ड्राइवर्स से आ रहे हैं, फीमेल से कम आ रहे हैं. अब आप लोग बोलोगे क्वांटिटी ऑफ फीमेल ड्राइवर्स नहीं, हम लोग प्रोबेबिलिटीज देखते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं देखते. अंडरस्टूड? सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन पास्ट डेटा. तभी मैंने स्टार्टिंग में लिखा है पास्ट हिस्ट्री, प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन पास्ट हिस्ट्री. ठीक है, अब यहाँ ध्यान से सुनो लॉजिक लगाना कि अगर एक्स एन इक्वल टू 9 है, 9 एक्सीडेंट्स हुआ टिल टाइम, तो हम एफ एक्स एन को हमने फिक्स कर दिया फंक्शन ऑफ 9. ठीक है, ये फिक्स हो गया हमारा. अब एक है जो 10 इयर्स में 9 एक्सीडेंट्स कर रहा है और एक है जो 30 इयर्स में 9 एक्सीडेंट्स कर रहा है, किसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ज्यादा होगा? ऑब्वियसली 10 वाले का. ऑब्वियसली 10 वाले का. तो हम लोगों को क्या करना है? एफ एक्स एन बाय जी एन. ठीक है, ये वाला जो है इसको हम लोग को ये इंक्रीज होगा फॉर 10. तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं? और ये इंक्रीज कब होगा? जब डिनोमिनेटर विल डिक्रीज. तो अगर n हमारा छोटा होगा तो gn शुड फॉल, तब जाके ये प्रोबेबिलिटी शुड इंक्रीज.
यस क्लियर गॉट इट. सो अगेन उल्टा देख लेते हैं. अगर हम लोग बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वन माइनस एफ एक्स एन बाय जी एन इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो एक्सीडेंट नो एक्सीडेंट देन एन प्लस वन, ये किसका हाई होना चाहिए? 30 वाले का. ये 30 वाले का हाई होना चाहिए. तो उस केस में 30 वाले का हाई करने के लिए ये हम लोग को लो करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा इक्वेशन इंक्रीज होगा. उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज. तो एन अगर ज्यादा होगा जी एन, अंडरस्टूड, जी एन इज द इंक्रीजिंग फंक्शन. अब इसको लिख लो, ये एग्जाम्पल्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आपको पैराग्राफ्स और राइटिंग्स ये सब मिल जाएगा मटेरियल में, बट ये एग्जाम्पल्स नहीं मिलेगा. इसको लिख लो अच्छे से बना के. तो जब इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, एफ एक्स एन को इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, एन को फिक्स रखो, जी एन फिक्स रहेगा. अगर आपको जी एन इंक्रीजिंग प्रूफ करना है तो एक्स एन को फिक्स रखो, एफ एक्स एन फिक्स रहेगा, तो जी एन वेरी होगा. ठीक है, वेरी गुड. ये जो अपने जो स्टेट स्पेस ऊपर में कंसिडर किया है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, इसमें कुछ मतलब कोई फैक्टर है या मतलब बस हम लोग कंसिडर किया? क्योंकि एन तो इसमें जीरो से लेके इन्फिनिटी का मतलब है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स. अच्छा, वो कितना भी हो सकता है. हाँ ओके. नहीं, जीरो से इन्फिनिटी का लिखवा है मैंने, पर एस अच्छा हाँ इधर पे, हाँ हाँ इधर पे तो होगा, तो वो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स की वजह से ना. हाँ करेक्ट. अब एक चीज लिखो, ये हो गया तो हो गया क्या सबका? करो, हाँ करो, एक पॉइंट इंक्रीज देख लेते हैं, मॉडलिंग कर लेते हैं हम लोग भी. लिखना, फॉर द प्रोसेस टू बी टाइम होमोजेनस. हाँ लिख सकते हो पॉइंट टू. फॉर द प्रोसेस टू बी टाइम होमोजेनस, जी एन शुड बी कॉन्स्टेंट. जी एन शुड बी कॉन्स्टेंट. ठीक है, इसका मतलब समझो, ये हाइपोथेटिकली करेक्ट हो सकता है बट रियलिस्टिकली ये करेक्ट नहीं है. इसका ये मतलब है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एन हमारा कॉन्स्टेंट है एंड खाली एक्स एन पे हमारा प्रोबेबिलिटीज डिपेंड कर रहे हैं. तो ये बहुत ही अजीब सा चीज हो गया. लेट्स से सपोज, ध्यान से सुनना, एक 45 ईयर ओल्ड का इंसान है, ठीक है, जिसका अभी तक दो एक्सीडेंट्स हुए इन टोटल इन हिज ड्राइविंग करियर ऑफ लेट्स सपोज 20 इयर्स.
दो एक्सीडेंट हुआ है और ये दोनों एक्सीडेंट लास्ट ईयर हुए, ठीक है। एक 18 ईयर ओल्ड का, 19 ईयर ओल्ड का ड्राइवर है जिसका खाली 1 ईयर के ड्राइविंग करियर में दो एक्सीडेंट्स हुआ है। तो जब आप एन और जी एन कॉन्स्टेंट रख रहे हो तो आप खाली एक्सएन देख रहे हो, दोनों का एक्सएन कितना आ रहा है, 2। तो उस हिसाब से दोनों का प्रीमियम हम सेम रखेंगे, बट दैट इज रॉन्ग, रियलिस्टिकली रॉन्ग। वी नीड टू चेक द टाइम फॉर विच दे हैव बीन ड्राइविंग, करेक्ट। तो दैट इज, एंड मैंने ये पॉइंट क्यों मेंशन किया, ध्यान से सुनना, मैंने ये पॉइंट क्यों मेंशन किया कि ये दोनों एक्सीडेंट लास्ट ईयर हुआ है फॉर द 45 ईयर ओल्ड, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू बेसिकली डिस्कस टाइम होमोजेनस वाला प्रॉपर्टी। टाइम होमोजेनस का ये मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट विल रिमेन सेम थ्रू आउट, बट दैट डज नॉट हैपन। दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ ड्राइविंग। ऑब्वियसली शुरू में एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं, टुवर्ड्स द एंड एक्सीडेंट के चांसेस या फिर एज द एक्सपीरियंस गोज नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट फॉल्स। तो इस केस में हम लोग टाइम होमोजेनस जब इसको बना रहे हैं, considering GN to be constant, this is realistically wrong. So we should take into account time inhomogeneous probabilities in this particular model. अब होता क्या है समझना, आप लोग के यहाँ पे इसका कोई question नहीं है जहाँ हम लोग देख रहे हैं। हम लोग जब model बनाते हैं simple सा in the compile and pass sums, तो उसमें कैसे type के questions आते हैं, पहले तो they'll give you a scenario, they'll ask you to make the model and then they will ask you in the last part कि बताओ कि कितना realistically correct है या फिर whether the assumptions in the model are correct. So दो तीन assumptions रट चुके हैं, finite state, finite, ये सब सब कुछ Markov property, तो Markov property को आप गलत प्रूफ करोगे कि नहीं खाली एक time पे नहीं है, वो सारा चीज। टाइम होमोजेनस को भी हम गलत प्रूफ कर सकते हैं कि जो ये प्रोबेबिलिटी है ना, ये पूरे टाइम के लिए कॉन्स्टेंट नहीं रहता, इट चेंजेस बिकॉज ऑफ मेनी डिफरेंट थिंग्स। वन, जैसे यहाँ हमने रीजन दिया कि एक एक्सपीरियंस बढ़ता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट कम होता है, तो जो मॉडल है ना उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा उस समय। तो वहां आप लोग को थोड़ा एनालिटिकली सोचना पड़ेगा कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग हम कैसे बोलें कि प्रोबेबिलिटी विल चेंज ओवर टाइम। ऑलराइट, maybe probability of sales is not same throughout the year, seasonal variations hai, cyclical situations hai, to wo aap log aur jaise jaise hum log time series padhenge aage aage aur bhi hum log bahut cheez padhenge to aur clear hote jayega. Understood? Clear? Any doubt till here? Band mat karna copy ekdam bhi, bhool se bhi. Clear hai? Ek sum kar lete hain. लिखो, अच्छा छोड़ो, तो फिर एक होमवर्क करोगे, पेज 29 ऑफ चैप्टर 2 विच इज मार्कोव चेन, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके तीन पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो सॉल्व करना है, ठीक है। टुमारो वील डिस्कस दैट एंड देन वील मूव टू मार्कोव चेन सम्स। एनी डाउट? हाँ, कंपाइलर लेके आना कल, वेरी गुड, कंपाइलर लेके आना, फिर भी मैं ग्रुप में एक बार इन्फॉर्म कर दूंगी। हाँ विधि, ऑफ चैप्टर, अरे तुम लोग जा क्यों नहीं बैठो, एक मिनट। हाँ विधि, चैप्टर 2, ठीक है, क्लियर है? और कोई डाउट किसी को? आज का क्लास प्लीज रिवाइज करना एंड कल की क्लास के पहले, कल 11 AM पे क्लास है, कल की क्लास के पहले तीनों क्लास का जो भी मैंने कंटेंट लिखाया है वो अच्छे से रिवाइज करके आना। अगर कल मैं क्वेश्चंस पूछूंगी थ्योरी का, अगर कल नहीं बोल पाए रिड्यूसिबिलिटी, पीरियोडिसिटी, तो एकदम क्लास से फिर आई विल मतलब निकाल दूंगी मैं क्लास से, बस कुछ नहीं और। चलो, ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू मैम। Thank you. Thank you, ma'am. Bye.